नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न 4 हम आज करने जा रहे हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए, हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हमें दिए गए हैं। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम कहते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। और यदि त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है इनके क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ यह किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी एबी बटा डीई इसका होल स्क्वायर बराबर होगा बीसी बटा ईएफ इसके होल स्क्वायर के, और यह बराबर होगा सीए बटा एफडी इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बच्चों, इस प्रश्न में हमें यह भी दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी एबीसी का क्षेत्रफल और डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर है। तो एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया ऑफ डीईएफ। यदि ये बराबर हैं तो इनका अनुपात कितना होगा, एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ यह बराबर होगा 1/1 के, यानी ये दोनों बराबर है ना, इसीलिए इनका अनुपात 1/1 होगा। ठीक है बच्चों, इसको ले ले इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा, देखो एबी बटा डीई का होल स्क्वायर बराबर होगा बीसी बटा ई एफ के होल स्क्वायर के, यह बराबर होगा सी ए बटा एफ डी के होल स्क्वायर के बराबर, और यह तीनों बराबर है एबीसी बटा डीईएफ के, और एबीसी बटा डीईएफ बराबर है 1/1 के, यानी यह भी हो जाएगा 1/1 के बराबर। अब 1/1 किसके बराबर होता है, 1/1 के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब हम इनको अलग अलग करेंगे बच्चों, देखिए कैसे। सबसे पहले इस 1/1 होल स्क्वायर के बराबर मैं रखूंगा इसको, यानी एबी बटा डीई का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/1 के होल स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा एबी गुना 1 एबी बराबर डीई गुना 1 डीई। इसी प्रकार से अब हम इस 1/1 के स्क्वायर को बीसी बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर रखेंगे, बीसी बटा ई एफ के स्क्वायर को हम रखेंगे 1/1 के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमें मिल जाएगा बीसी गुना 1 बीसी बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ई एफ गुना 1 ई एफ। और इसी प्रकार से अब हम ये तीसरे को 1/1 के बराबर के होल स्क्वायर के बराबर रखेंगे, यानी कि सी ए बटा एफ डी का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/1 का होल स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर फिट कट गया, हमें मिला सी ए गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से सी ए गुना 1 सी ए बराबर एफ डी गुना 1 एफ डी। अब हम देखते हैं बच्चों हमने क्या लिखा, इन दोनों त्रिभुजों में एबी बराबर है डीई के, बीसी बराबर है ईएफ के, सीए बराबर है एफ डी के, यानी दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं, तीनों भुजाएं अपनी संगत भुजाओं के बराबर हैं। और हमें पता है यदि दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, यानी इसकी तीन भुजाएं इसकी तीन संगत भुजाओं के बराबर हो, तो एस 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 सर्वांग समता, हम सर्वांग समता की बात कर रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता होंगे, सर्वांगसम होंगे।
एस 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर सिद्ध हुआ। देखा बच्चों, हमने दोनों त्रिभुजों को, क्योंकि उनके क्षेत्रफल बराबर थे तो हमने उन्हें सर्वांगसम सिद्ध किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।